दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बिगड़ती स्थिति और वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स 1700 से ज्यादा अंक टूटकर 55,200 के करीब पहुंच गया है। वहीं निफ्टी भी 500 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ 16,500 से नीचे पहुँच गया है। बाजार में आई इस गिरावट से मार्केट कैप में 9.49 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। शुक्रवार को यह 259.47 लाख करोड़ का था, जो आज 249.98 लाख करोड़ रुपए रह गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ट्रेवल रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कई यूरोपियन कंट्रीज में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, ऐसे में नीदरलैंड ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ग्लोबल मार्केट में भी इस वजह से गिरावट आई है। पिछले 40 दिनों में विदेशी निवेशकों ने बाजार में 80,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। अकेले दिसंबर में FII ने कैश मार्केट में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। इस साल की यह सबसे बड़ी मंथली सेलिंग है। 17 दिसंबर को FII ने कैश मार्केट में 2,069 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों की चेतावनियों ने निवेशकों को डरा दिया है। महंगाई से निपटने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ाने वाला दुनिया का पहला मुख्य केंद्रीय बैंक है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने भी महंगाई को चिंता का बड़ा कारण बताया है। वहीं श्रीराम प्रॉपर्टीज के शेयर ने निवेशकों की लिस्टिंग पर 24% का घाटा दिया है। रेशो प्राइस 118 रुपए की तुलना में यह शेयर 90 रुपए पर लिस्ट हुआ। इस शेयर पर सीधे सीधे आज बाजार की भारी गिरावट का असर दिखा। श्रीराम प्रॉपर्टीज का शेयर ग्रे मार्केट में 10-15 रुपए नीचे कारोबार कर रहा था। यह कंपनी 118 रुपए के भाव पर बाजार से 600 करोड़ रुपए जुटाई है। इसका रेशो 8 से 10 दिसंबर के बीच आया था। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।